हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, आज 15 अप्रैल 2020 अपना महानगर पालिका का कोविड-19 दैनिक अहवाल आज दे रही है। जो संशयित रुग्ण है, भर्ती हुए संशयित रुग्ण है वो 261 है। जो पॉजिटिव रुग्ण आए हैं वो 183 है और डेथ हुई रुग्ण की संख्या 2 है। अभी तक जो रुग्ण डेथ हुए है वो 113, 113 लोग है। अच्छे हुए लोग है 181। इसका मतलब है कि जैसे मैंने अगले हफ्ते में बोला था कि अभी रुग्ण की संख्या थोड़ा थोड़ा कम होती जाएगी, तो मुझे लगता है जैसे ये महानगर पालिका के लॉकडाउन में महानगर पालिका जो आपकी सेवा कर रही है, घर घर में सेवा देने की, जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो असंगठित लोग हैं, उनके लिए आज के दिन पूरी महानगर पालिका की सेवा 3 लाख के ऊपर और 4 लाख के अंदर ऐसे करके फूड आ रहे हैं, हम दे रहे हैं। जिसको खाने का फूड नहीं मिल रहा है उन्होंने नज़दीक के शाखे में, नज़दीक के पुलिस स्टेशन में या नज़दीक के वार्ड ऑफिस में कि जाके अपना नाम और रहने का पता देना चाहिए, तो उनके पास भी जाके हम लोग दे सकते हैं। लेकिन किसी को ही भूखा नहीं रखेंगे, ये जो वर्ड है अपना मुख्यमंत्री का वो वर्ड हम सही करते हैं, सच करते हैं। आपके पास हम लोग आ सकते हैं, आप फोन के द्वारा या पुलिस स्टेशन के द्वारा हमें आपकी जानकारी भेज सकते हैं। और मैं एक ही कहेगी कि जितना दिन आपने पहले 15 दिन जैसे सबूर से लिया, शांति से किया, संयम से लिया, तो मुझे लगता है 3 मई तक अभी भी अपने को सबूरी और शांति से रहना है। जिसको जो ज़रूरत है वो नज़दीक के पुलिस स्टेशन, नज़दीक के बीएमसी ऑफिस या नज़दीक का कौन से भी पक्ष की जो शाखा होगी उसमें अपना नाम और पता दर्ज करो, या मेरे मुंबई मेहर करके मेरा जो फ़ोन नंबर है उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी भूखा नहीं रहे इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन आप जवाबदारी से अपना ख्याल रखो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।